हाँ जी नमस्कार। अभी अभी की बड़ी जानकारी, कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की बड़ी घोषणा, 6 परिवारों को 25 लाख रुपए का चेक और बीजेपी पर निशाना, 6 लोगों को नौकरी का भी वादा। ब्रेकिंग अपडेट आप सभी के लिए, लाइक कीजिएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए 6 लोगों के परिवारों को 25 लाख रुपये का चेक दे दिया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भेदभाव करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ प्रवीण नेटारू और हर्ष के परिवार को मुआवजा दिया था। वहीं दोस्तों, सांप्रदायिक हिंसा में 6 लोगों के परिवारों की जो जान गई थी, उस मामले में 25 लाख रुपए का चेक। सीएम ने पीड़ित परिवार को एक एक सदस्य को नौकरी की घोषणा। यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की असामयिक मौत नहीं हो, ये भी सिद्धारमैया मुख्यमंत्री कर्नाटक की ओर से कहा गया।